अस्सलामुअलैकुम। हम टॉपिक मेजरमेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमें दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू विच इज़ 9.11 इंटू 10^-31 kg। आपको ये मास कन्वर्ट करना है ग्राम में और मिलीग्राम में। इसके लिए आपको कन्वर्जन वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ये न्यूमेरिकल मास के यूनिट की कन्वर्जन के बारे में है। अब इन कन्वर्जन की वैल्यूज़ को बआसानी याद करने के लिए हमने ये एक की फॉर्म की है। इस की में हमने मास के पॉसिबल यूनिट डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम। की को इस्तेमाल करने का तरीकाकार यह है कि जब कभी भी कन्वर्जन बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में होगी तो हम गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव पावर ऑफ 10 से, और जब कन्वर्जन स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ होगी तो हम गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव पावर ऑफ 10 से। इसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम मौजूद हैं, 1000, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, सिमिलरली 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम मौजूद हैं। अब आपके पास जो पहली कन्वर्जन है वो है किलोग्राम टू ग्राम। किलोग्राम टू ग्राम में जाने के लिए अब आप देखेंगे यहाँ कन्वर्जन बड़े से छोटे यूनिट की तरफ है। बड़े से छोटे यूनिट की तरफ है तो आप गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव पावर ऑफ 10 से। की के अकॉर्डिंग देखें 1 किलोग्राम में कितने ग्राम मौजूद हैं, 1000 ग्राम मौजूद हैं। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये आपके पास गिवन वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 10^-3 से। बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। -31 + 3 इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10^-28 ग्राम। सेकेंड पार्ट में कन्वर्जन आपके पास है किलोग्राम टू मिलीग्राम। किलोग्राम टू मिलीग्राम में आप देखेंगे बिगर टू स्मॉलर यूनिट कन्वर्जन है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई पॉजिटिव पावर ऑफ 10 से होगा। अब पावर कितनी है, किलोग्राम से ग्राम में आए 1000, ग्राम से मिलीग्राम में आए अगेन 1000, तो पावर हो जाएगी आपकी 3+3 मीन्स 10^6. 1 kg इज इक्वल टू 10^6 mg। तो जो गिवन वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 10^6 से। सेम बेसिस हैं तो पावर हो जाएंगी आपकी ऐड, -31 + 6। -31 + 6 हो जाएगा आपके पास -25, और ये आपका कन्वर्ट हो गया है किलोग्राम से मिलीग्राम में। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम से माइक्रोग्राम में। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन माइक्रोग्राम आपने मालूम करना है। अब किलोग्राम से माइक्रोग्राम भी बिगर टू स्मॉलर है तो अगेन जो मल्टीप्लाई होगा 10 की पॉजिटिव पावर से होगा, बट पावर कितनी होगी, किलोग्राम टू ग्राम 1000, 10^3, अगेन 10^3, 3+3 = 6, एंड अगेन 10^3, तो इट विल बी 3+3+3 = 9। 1 kg इज इक्वल टू 10^9 µg। तो आपकी गिवन वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 10^+9 से। सेम बेसिस है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -31 + 9 इज इक्वल टू -22, और ये आपका कन्वर्ट हो गया किलोग्राम से माइक्रोग्राम में।